नमस्कार। बंगाल का चुनावी अड्डा लेकर हम पहुंच गए हैं मिदनापुर के सदर विधानसभा क्षेत्र में। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें आप लोग। चुनावी अड्डा यहां पर सज चुका है और नेता जो है यहां पर मौजूद है, बीजेपी, तृणमूल और यहां साथ ही साथ सीपीएम के रिप्रेजेंटेटिव भी मौजूद है यहां पर। रफीक साहब, आपके सांसद यहां दो बार रहे हैं, दो बार विधानसभा के आपके विधायक रहे हैं, सांसद बीजेपी से हैं क्षेत्र में, क्या लगता है कौन से कामों के साथ जाएंगे? क्यों है बंगाल में ममता बंदोपाध्याय जितना उन्नयन किया हर आदमी लोग को, इसीलिए ममता बंदोपाध्याय 2011 में 187 सीट मिला 2011 में। मेरा बात सुनिए। आप मुद्दों की बात तो कर नहीं रहे। आपसे मैंने पूछा कि क्यों दे वोट, क्यों दे? 2011 में 187 मिला इसलिए दे, क्यों दे? क्या काम कराया आपने? पूरा स्कूल स्वास्थ्य साथी, बिना पैसा चिकित्सा, किसान मंडी, तारपर प्रत्येक एकड़ जमी ते 10 बेरोजगारी काम है वेस्ट बंगाल में। अच्छा, काम है, बताइए इन्हें वोट क्यों ना दें? बीजेपी को मौका क्यों दिया जाए? आपके पास तो नेता भी अपने नहीं है। SSC नहीं हुआ, टेट नहीं हुआ, शिल्पो नहीं हुआ, इनके शास्त्रों के परिसेवा बेहाल हुआ और कोरोना परिस्थिति में चाल डाल लूट किया, हर आदमी को कार्ड मनी लिया। TMC भ्रष्ट पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस बीजेपी कह रही है। सीपीएम आप कहाँ है इस लड़ाई में? बीजेपी कैसे एंटी इनकम्बेंसी का फायदा उठा रही है आपके होते हुए? हम ही लोग हैं लड़ाई में, ये लोग तो जात पात और धर्म के नाम। आप तो यहाँ लोगों के बीच में बेरोजगारी के तो कार्यकर्ता मुद्दा में हम लोग है। हम लोग कार्यकर्ता है, क्यों नहीं आए? हम लोग किसान के साथ है, हम लोग नौजवान के साथ है, ये लोग धर्म के नाम में लड़ाई लड़ रहे हैं। चलिए, धर्म के नाम पे लड़ाई हो रही है, धर्म के नाम पे लड़ाई नहीं, राम सबका है, धर्म के राम का लड़ाई हो रहा। मुस्लिम तोषण कौन करता है? तोषण कौन करता है? मुस्लिम लोगों को भाता कौन देता है? हिंदू पंडित को भाता क्यों नहीं मिलता है? कुछ तोषण नहीं होता, मोदी जी का प्रकल्प सबको मिलता है। बीजेपी सरकार कभी नहीं किया है, क्योंकि कोरोना काल में जो रेशन भेजा था सबके लिए भेजा। दीदी क्या बोला था? जो गोरु दूध है उसका लात खाने के लिए वो भी तो ये तैयार है। तो गोरु कौन है? मुस्लिम लोग, उस लोग के लिए गोरु है। दीदी को जो बांग्लादेश बनाना का चक्रांत है, पश्चिम बंगाल के भाजपा नहीं बनाने देंगे। चलिए, आप लोग क्या कह रहे हैं? TMC किस नारे के साथ जा रही है? खेला होबे, जोरदार खेला होबे, भांगा पाए खेला होबे। और बोले दी, और एक बार बोल दी, मैं आपको बोल देना चाहता हूँ, बोला 5 फुट 3 इंची का जो महिला, उसके सामने पूरा कैबिनेट दिल्ली से उठ के आया है, फिर भी उसको हराना नहीं पाएगा। हराना मुश्किल ही नहीं, मुमकिन है। पहली पतंजल बीजेपी का मुद्दा क्या है? वो जो सरकार का बात कर रहा है, आपके काम क्या है? काम तो बहुत कुछ है। हमारा जो दीदी है वो क्या नहीं किया? शास्त्र साथी से, कन्या श्री से, रूपश्री से, सबूत साथी से, बिना पैसा में चाल सिक्का श्री से हर कुछ दिया। एक बच्चा जब जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद मरने तक हर विकास है, हर विकास। अगर बीजेपी से पूछिए, अगर बीजेपी आ जाएगी तो ट्रेन बैंक सब कुछ तो नेशनलाइज हो गया, तो हम लोग ट्रेन का टिकट का दाम भी बढ़ चुका है, हम लोग क्या करेंगे? आप लोग क्या नारा दे रहे हैं? खेला होबे, जोरदार खेला होबे, खेला होबे। चलिए, आपके क्या नारे हैं? क्या नारा है आपका? नारा क्या है आपकी पार्टी का? भाजपा को ले आओ, सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ, भारत माता की जय। चलिए, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर काम से ज्यादा जो है पार्टी पॉलिटिक्स और पार्टी के कार्यकर्ता किस तरह से पूरे जोश में है। और बंगाल की राजनीति का तो मिजाज ही ये कहा जाता है कि हिंसक राजनीति जो है वो यहाँ पर देखी है, चाहे वो सीपीएम तृणमूल के बीच का टकराव हो या अब बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच का टकराव हो। बैटल ऑफ बंगाल में अगर कहें तो इस वक्त पारा जो है वो बेहद हाई है। लगातार ग्राउंड जीरो से चुनावी अड्डा पश्चिम बंगाल के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से हम आप तक लाते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष चंद के साथ पिनास यागी, न्यूज नेशन, मिदनापुर सदर विधानसभा क्षेत्र से।